माइफ ऑन था, नहीं ऑफ था। तो ये गेम, हे हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ जी एस के और माइक ऑफ था तो मैंने फिर से स्टार्ट किया। तो हे हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ जी एस के एंड आप लोग देख लो जी एस के वेरीफाइड चैनल। एंड गाइस, आज गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो है गाइस। इस वीडियो में हम लोग जो है हमारी न्यू स्कार की, सॉरी स्कार बोल रहा हूँ, क्यों स्कार बोल रहा हूँ वो भी तो देखो, मेरी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे साला एक्वा स्कार लिखा है, साला गरेना वाले दारू पी के यार अपडेट देते। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो ये देखो एक्वास्कार लिखा, देखा। तो मैंने, मेरा गलती नहीं है, यहाँ पे एक्वास्कार लिखा है तो मैंने इसीलिए एक्वास्कार बोला। M4A1 है बट ये आर्थ है, M4A1 आर्थ है गाइस। तो गाइस इसके साथ कंपेयर करेंगे एक्वास्कार का, सॉरी स्कार का, ग्रोवजा का एंड दूसरी गन्स की, कि ये M4A1 कैसा है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके पीछे पैसे बर्बाद करना चाहिए कैसा है, आपको इसके लिए रोना चाहिए, भाई मेरे को नहीं मिला तो रोना चाहिए ना भाई, वो चूतिया पास कार है वो तो मेरे को चाहिए ही नहीं, तो ऐसा क्या बोलना चाहिए आपको इसके ऊपर वीडियो है। तो गाइस चलो, पहले तो मैंने ट्राई किया 12-13 बार, 14 बार ट्राई किया कुल मिला के, एंड आखिरी में मेरे को 2 दिन के लिए मिला। तो मेरे को उसके 2 दिन के लिए मिला तो मेरे अभी के इसको ट्रायल लेना था कि यार ये स्कार कैसा है, अगर ये स्कार ड्रैगन एको को बीट कर सकता है एंड हमारी स्कार को बीट कर सकता है या ओल्ड वाले M4A1 को बीट कर सकता है तो मैं ले लूंगा, बट अगर नहीं कर सकता तो ये टट्टी है, इसको लेने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं दो एक गेम प्ले किया एंड उसमें जो रिजल्ट आया आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये स्कार कैसा है। चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दो। एंड अभी मैं ऐसे करके नहीं बताऊँ भाई, यहाँ पे सब्सक्राइब बटन है यहाँ पे दबाओ। गाइस निकम में थोड़ी हो तुम लोग, नीचे सब्सक्राइब पर बटन है दबाओ अभी। गाइस जब बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं यहाँ पे दबाओ यहाँ पे दबाओ, अरे यार डिजिटल इंडिया यार, सबको पता है कहाँ पे दबाना पड़ता है कहाँ पे क्या करना पड़ता है, और अगर नहीं पता है तो यार यूट्यूब देखना छोड़ दो, यार यूट्यूब देखना छोड़ दो। तो भाई मैं कोई धम्मेल मम्मेल लोगों नहीं दिखा रहा कि यहाँ पे दबाओ वहाँ पे दबाओ, तुमको अगर पता है सब्सक्राइब कैसे करते हैं तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, एंड अगर लाइक करना आता है तो लाइक भी कर देना, ठीक है। तो गाइस शुरू करते हैं वीडियो को, एंड रुको मेरा दोस्त कॉल कर रहा है, 1 मिनट। हाँ तो गाइस यहाँ पे मैंने उतरा, उतरने के बाद यहाँ पे दो बंदे ऊपर आए और मेरे को अभी तक M4A1 नहीं मिला, जस्ट दो बंदा आया और उसको शॉटगन से और यहाँ पे, और गाइस दोनों बंदे खत्म, नॉक इसके पार्टनर्स आने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोनों बंदे खत्म, खत्म होने के बाद इसको भी ठोकता हूँ, रुको। तो मेरे को स्पेशली मैं MP40 यूजर हूँ, मेरे को शॉटगन चलाना नहीं आता, तो भाई शॉटगन चलाना देख के ऐसा मत बोलना कि यार मैं प्रो प्रो हूँ, ठीक है, क्योंकि यार नोबरे भी चला लेते हैं बहुत बड़े, मतलब अच्छे शॉटगन। तो किसी की गेम प्ले ऑफलाइन देख के मत जज करो कि यार वो कैसा खेलता है, कोई बंदा अगर लाइव खेल के दिखा रहा है तो उसको जज करो, ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है, वीडियो कट वट करके लगा देते हैं, ठीक है। तो अभी गाइज आ जाता हूँ मैं दूसरी टॉपिक पे कि M4A1 की डैमेज इस जगह पे कैसे पड़ रहा है। तो गाइस M4A1 की डैमेज इस जगह पे, गाइस मैं देखो एक बक्से के पीछे छुपा हुआ हूँ एंड मेरे पास M4A1 है और गाइस सामने से पूरा स्क्वाड आ रहा है क्योंकि मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था, और मैं अगर बैठूंगा तो भी हेड लगेगा, अगर खड़ा हूंगा तो लाजवाब है, लॉटरी लग गई मेरी। तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट रेंज, ये गाइस देख सकते हो ये शॉर्ट रेंज है, वो मिड रेंज में आ रहा है, मिड रेंज से शॉर्ट रेंज में आ रहा है, डैमेज आ जाती है 30 के बीच, ठीक है। अगर मैं इसकी मिड रेंज डैमेज, इसका बहुत खराब है, फिर से बता दूं, आप लोगों ने सोचा कि वो बंदा मर गया बट वो बंदा ऐसे ही नहीं मरा, उसको हेडशॉट लगी इसलिए मर गया, बट वहाँ पे 10-12-13 का डैमेज हो रहा था, ठीक है, मतलब थोड़ा बंदा अगर दूर होगा तो उसको 10-12-13 का डैमेज होगा, और अगर बंदा थोड़ा नजदीक होगा उसको 30-26-26 मतलब 26-24 एंड 30 का डैमेज मिल जाएगा, ठीक है। अगर बंदा थोड़ा दूर होगा उसको भाई 12-14 एंड 13 का डैमेज होगा, ठीक है। तो गाइस M4A1 में सब कुछ ठीक है, तो अभी उनके दो बंदे अभी भी जिंदा है तो मेरे पीछे आ रहे थे, तो मैं थोड़ा पीछे जा रहा था कि यार भागो भागो लैंडमाइन में जाकर भागो, बंदे आएंगे तो मरेंगे लैंडमाइन में, मैं तो यार भागू, तो मैं पीछे की तरफ भाग रहा था, लैंडमाइन भी जाते भी जाते, और गाइस पीछे ही एक नोबरा साला बंदा, वो पीछे मेरा पीछे खंबे के पीछे बैठा है, मतलब मैं तो भाग रहा हूँ उसका स्क्वाड के दो बंदे को टपका के, यार मैं सोच रहा हूँ दोनों बंदे को भी मैं टपका दूंगा, तो यार पीछे साला यही पे एक बंदा पीछे मेरा बैठा था, लैंडमाइन नहीं सॉरी लैंडमाइन सेट कर रहा था, बिजी था मैं लैंडमाइन लेके, तो बंदे पीछे ही खड़े थे, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने उसको M4A1 से मारने की कोशिश की, देखो और मतलब 22 देता है, मतलब बेसिकली इसके शॉर्ट रेंज की डैमेज 22 में आता है, ठीक है, इसकी 22 एंड 20 40 एंड जो हाई रेंज है 30, ठीक है 30 में जाता है, इसकी डैमेज 30 जाता है, 32 के ऊपर भी जा सकता है, मेरे को पता नहीं है, 30 तक मैंने देखा 30 तक ही जाता है ज़्यादातर। और गाइस यहाँ पे मैं फिर से सोलो वर्सेस स्क्वाड, और यहाँ पे गाइस मैं पीक पे और पीक पे एक स्क्वाड मेरे से रेस्ट कर रहा है, और यहाँ पे दो बंदा नॉक,
दो बंदा नॉक होने के बाद गाई इसके जो एक दो बंदा आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो इनका एक बंदा तो खत्म टपक गया और दूसरा बंदा इधर साइड में चला गया और मैं उसको मार नहीं पा रहा था क्योंकि वो लोग ग्रेनेड फेंक रहे थे खिड़की से विटकी से। तो यार उसको रिवाइव कर लिया, मैं भी थोड़ा डैमेज था, मैं भी मेडिकेट मार रहा था, बट ये बहुत प्रो स्क्वाड था। मेरे को आखिरी में पता चला कि इतना अच्छा खेल लेते हैं लोग। तो भाई यहाँ पे मेरे को आप लोगों को दिखाना था कि शॉर्ट रेंज में फिर से M4A1 कैसा काम करता है। तो यार क्यों गाइस, इस वीडियो को मकसद क्या है कि यार तुम रो मत, अरे मेरे को M4A1 ने। और गाइस उसी टाइम पे गाइस जो है उसने ग्लोब वॉल बिठाई एंड मेरे को उस जगह मैं अभी अभी लेफ्ट साइड में नहीं जा सकता, अभी मैं राइट साइड में जा सकता हूँ। तो मैंने भी, मेरे पास एक ग्लोब वॉल था, मैंने सीढ़ी ब्लॉक कर दिया, सीढ़ियाँ ब्लॉक कर दिया, अभी बंदे ऊपर नहीं आ सकते। तो उसके बाद मैंने उस ग्लोब वॉल को तोड़ दिया, तो अभी बंदे बचे थे, अभी तीनों बंदे ऊपर रश कर रहे थे और मैं साला अकेला। तो अभी क्या कर रहा था, यहाँ पे चुपचाप अभी बैठा था और वो बंदे रश करने की कोशिश, और मैं साला, मेरे पास मेडिकिट भी नहीं था। देखो मेरे पास मेडिकिट नहीं था, जीरो मेडिकिट, थोड़ा सा डैमेज, 4 लेवल का फटा हुआ वेस्ट एंड 3 लेवल का हेलमेट, और मेरे को मारना था उनका स्क्वाड। एक बंदा मर चुका था मेरे हाथ, अभी भी 3 बंदे बचे थे और उसके पास उन लोगों ने जो है ग्लूवल को फोड़ दिया उनकी बाप की मल समझ के। उसके बाद गैस जो है वो बंदा रश कर रहा था ऊपर और उसको दिया MP40 से और हो गया नॉक। अभी गैस आपको M4, वो बंदा जो दूसरा बंदा है ना बहुत चला गया, बहुत मार रहा था मेरे को। तो गैस यहाँ पे M4A1 से गैस मैं आपको डैमेज दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखो गाइस यहाँ पे M4A1 की डैमेज देखो, 30 20 30 20 20 डैमेज कैसा है, 30 26 22 and 30 22 30। 16 में आता है इसकी डैमेज, 16 12 में भी आता है, 16 12 9 कैसे था, 9 16 12 30 22 मतलब 30 के ऊपर नहीं जाता, 30 के ऊपर नहीं जाता, ऐसा इसका जो है इसका पावर है गाइस M4A1 के। इस वाली आर्थ M4A1 इसका नाम है, आर्थ M4A1। तो गाइस उतना भी खास नहीं है, आप स्कार यूज कर सकते हो, फ्री का M4A1 यूज कर सकते हो, फ्री का जो सब मिला था हम लोग का, फ्री का माल जहाँ पे मिल रहा था उस दिन पहले, तो वो फ्री का माल भी सही है। और अगर उठक बैठक की बात करो तो गाइस देखो परफेक्ट है यार, एकदम उठक बैठक के मामले में ये M4A1 बहुत ही अच्छा है, आप यूज कर सकते हो बेस्ट रिजेक्ट। गाइस जो है बाल खराब हो गए, 2 मिनट ठीक हो गया, अभी ठीक ठाक लग रहा है। नहीं नहीं अभी यार हीरो आलम की माफी लग रहा है, चलो पता नहीं अगर हीरो आलम कौन है तो यार पूछना भी मत। तो गाइस अभी यहाँ पर ठीक ठाक हो गया, तो यहाँ पे मेरा कट गया था, दिख रहा है ना, हाँ कोई बात नहीं। और यहाँ पे गाइस देख सकते हो फिर से 22 और यहाँ पे गाइस 22 का डैमेज, मतलब मिड रेंज में फेने में, फिर से बोला 22 20। अभी गाइस एक इसकी जो सबसे खराब, मतलब सबसे खराब चीज मेरे को जो लगा, तो इस M4A1 का सबसे खराब है इसकी लॉन्ग रेंज, इसकी लॉन्ग रेंज बहुत खराब है। मैं बता रहा हूँ इसका लॉन्ग रेंज बहुत खराब, लाइक स्कार, स्कार का जैसे लॉन्ग रेंज खराब है, तो इस वाली M4A1 की भी लॉन्ग रेंज खराब है। यहाँ पे 15-18 का डैमेज देखा, 6-5 का डैमेज, क्योंकि बंदा अगर थोड़ा से भी दूर हो जाता ना उसका डैमेज 6-5-4-15-19-20 जितना, मतलब एक रेंज होता है उसके बाहर वो चला जाता है तो उसकी डैमेज एकदम घट जाती है। इसमें मैक्स लेवल की इक्विपमेंट लगी है अभी फिलहाल, और इसमें 2 लेवल की मजल है जस्ट, और 2 लेवल की मजल छोड़ के सारे चीज जो है मैक्स लेवल का है, ठीक है गाइस। और इसमें इतना घटिया डैमेज दे रहा था। और अभी गाइस आप लोग गेम को एंजॉय करो, एंड गेम को एंजॉय करने के बाद गाइस मैंने यही चीज़ बताया कि यार इसकी शॉर्ट रेंज अच्छी है, ठीक ठाक है, और लॉन्ग रेंज खराब है। तो गाइस अभी आप लोग कुछ शॉट्स देखो लॉन्ग रेंज के, और इस मैच की फिनिशिंग देखो, मतलब आखिरी तक देखो कि लॉन्ग रेंज इसका कितना बुरा है। और एक चीज बोलते बोलते चलते हैं गाइस, जो भी बंदे देख रहे हो अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बहुत पीछे पड़ गया गाइस क्योंकि 1 महीना तक ऑफ था, तो कीप सपोर्ट यार, फिर से ऊपर जाना यार। तो गाइस जो भी बंदे देख रहे हो, हाँ बहुत बंदे कमेंट कर रहे हैं यार ये ऐसा है वैसा वैसा, चुतिया लोग यार पता नहीं है यार, बोल रहा था मुंह से निकल गया। तो गाइस चलो बाय बाय, अभी चलता हूँ, लाइक बटन नीचे है उसके साथ लूडो खेलो कुछ भी करो, मेरे को पता नहीं उसको दबाओ, एंड सब्सक्राइब बटन के साथ भी लूडो खेलो कुछ भी करो। और मैं नहीं दिखा रहा कैसे दबाना है, कहाँ पे दबाना है, अगर नहीं पता तो मत करो, अगर पता है सब्सक्राइब कैसे करते हैं दूसरी चैनल से तो बोलते ही रहते हैं यहाँ पे दबाओ यहाँ पे दबाओ यहाँ पे उंगली घुसाओ यहाँ पे उंगली घुसाओ, तो ऐसे ऐसे मेरे भी कर लेना, ठीक है। तो गाइस गेम को एंजॉय करो, और देखो इस गन की लॉन्ग रेंज कितना खराब है वो भी देख लेना, एंड बाय बाय। और गाइस आज की वीडियो की एम रखती है 2000 लाइक, ठीक है। मेरे लाइक ज़्यादा नहीं आते, पहले 12-13 हज़ार आते थे, बट 1 महीना ऑफ था उसके बाद लाइक नहीं आ रहे थे क्योंकि यार फीडबैक किया ना। तो एम रखते गाइज 2000 लाइक की, अगर 2000 लाइक हो जाते तो कल की वीडियो होगा GN2 Side SGSK के बीच गेम प्ले होगा, और उस गेम प्ले की वीडियो में छोड़ूंगा अगर इसमें 2000 लाइक हो जाते,
क्या हुए हो गाइस, चलो बड़ा जी हो गाइस एंड देखा इसका लॉन्ग रेंज बहुत खराब है, मैं ही बोल रहा था।